वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों का जीमेल अकाउंट में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। ओके, देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट को हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर कर सकते हो, और अगर आप इस वीडियो में बताई हुई स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आगे आने वाले टाइम में आपके जीमेल अकाउंट में दो तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे जीमेल अकाउंट में आ रही है वो है टू मेनी फेल्ड अटैम्प्ट। मान लीजिए कि अगर आप गलती से भी अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हो और उसे रिकवर करने की कोशिश करते हो, और आपने जो भी उसमें अटैम्प्ट किए हैं अगर वो गलत निकलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका जीमेल अकाउंट है वो एक लूप में चले जाएगा और वहाँ पर लिखा आएगा टू मेनी फेल्ड अटैम्प्ट, और इसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि आपका जीमेल अकाउंट रिकवर हो या नहीं भी हो। ओके, और दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी जीमेल अकाउंट में वो ये है कि जिस ईमेल आईडी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसी सेम ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी गाइज यही केस बनता है कि जो आपका जीमेल अकाउंट है वो एक लूप में चले जाएगा और फिर वो कभी ओपन नहीं होगा। ठीक है, इन दो परेशानियों से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट को लाइफ टाइम के लिए सिक्योर कर सकते हो, और उसमें ये वाली प्रॉब्लम और ये जो दूसरी ये वाली प्रॉब्लम है गाइस, इस तरह की प्रॉब्लम उसमें फिर कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहना, और अगर आप गाइस हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब करें इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ में गाइस इस बेल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि जब कभी मैं कोई टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो गाइस सबसे पहले आपको मेरी ओर से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि आपको अपने जीमेल आईडी में क्या कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी को ओपन कर रहा हूँ और उस ईमेल आईडी में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या कुछ चेंज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर जीमेल को ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। साइन इन पर क्लिक करने के बाद एक ये रैंडम ईमेल आईडी है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी ईमेल आईडी नहीं है, डेमो ईमेल आईडी है, तो आप इसमें मेरे को मेल वगैरह मत करना, इस वीडियो के बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। गाइस ये लॉगिन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर गाइस ये लॉगिन हो चुका है, मैं जीमेल पर अब क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपका जो जीमेल अकाउंट है वो इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सेटिंग वाला पेज आता है राइट साइड में, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, और इसके बगल में है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से ये डॉट डॉट दिखाई देंगे, 9 डॉट डॉट हैं, इसके साइड में आता है अकाउंट, तो आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आएगा सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। ओके, इसके बाद में देखिए यहाँ पर आता है, साफ सीधा सा लिखा आता है, यू हैव अ सिक्योरिटी रिकमेंडेशन। ठीक है, तो जो गूगल अकाउंट है वो खुद हमें बताता है कि भाई हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वो रिकमेंडेशन मतलब सुझाव देता है अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं, और गलती से जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं या हमारा फ़ोन रीसेट हो जाता है, हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है, कहीं खो जाता है, तो हमें बहुत दिक्कत आती है अपने गूगल अकाउंट को रिकवर करने में। ठीक है, तब आपको क्या करना है, इस प्रोटेक्ट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। ओके, प्रोटेक्ट योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें लिखा आ रहा है सिक्योरिटी चेकअप, तो यहाँ पे बोल रहा है ऐड अ वेज टू वेरीफाई दैट इट्स यू। इसमें देखिए बोल रहा है कि मेरा जो ये अकाउंट है इसमें ना तो फ़ोन नंबर ऐड है और ना ही रिकवरी ईमेल ऐड है, इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए ऐड और ऐड करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर है सेफ़ ब्राउजिंग, तो सेफ़ ब्राउजिंग को जैसे ही मैं नीचे करूँगा तो इसमें लिखा आ रहा है टर्न ऑन एनहांस्ड सेफ़ ब्राउजिंग फॉर योर अकाउंट। गाइस कभी कभी क्या होता है कि हम अपने लैपटॉप में क्या करते हैं, कोई भी एंटीवायरस यूज़ नहीं करते हैं, और किसी भी वेबसाइट वगैरह को तब हम ओपन करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से मालवेयर वगैरह हमारे लैपटॉप में आ जाए और उसकी वजह से हमारा ईमेल आईडी भी अफेक्टेड हो जाए या हैक वगैरह हो जाए, तो ऐसा ना हो तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, टर्न ऑन एनहांस सेफ ब्राउजिंग पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसमें बोलेगा एनहांस सेफ ब्राउजिंग, तो इसको आपको टर्न ऑन कर देना है, इस तरीके से ऑन हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में है योर डिवाइसेस, इस पर हमारा जो डिवाइसेस है वो दिखाया जा रहा है। इस ईमेल आईडी को मैंने अभी किसी भी फ़ोन में लॉगिन नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आते हैं गाइस, देखिए अब यहाँ पर है मेन स्क्रीन, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए
हाउ यू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट। ठीक है, ये मेन स्क्रीन है। अब इसको आप जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप में से ही काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है कि इनमें क्या कुछ करना है। अब दिखने में तो ये बहुत आसान है कि रिकवरी फ़ोन में फ़ोन नंबर डालना है, रिकवरी ईमेल आईडी में रिकवरी ईमेल आईडी डालना है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा झोल है जो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। अब आप चुपचाप से सुनते रहना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आप अपने जो जीमेल अकाउंट है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मतलब जो आपका पासवर्ड है नॉर्मल है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि आप इसका पासवर्ड चेंज कीजिए, ठीक है। तो पासवर्ड चेंज करने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आज, जैसे आज है 29 अप्रैल 2023 है, ठीक है, और मेरे को लगता है कि मेरा पासवर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी लैपटॉप में या फिर किसी के मोबाइल में, मतलब जैसे अगर हैक्ड हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल क्या करूँगा, अपना जो जीमेल अकाउंट है इसको सिक्योर करने के लिए अपने पासवर्ड को क्या करूँगा, चेंज कर लूँगा। तो लास्ट चेंज हुआ है ये 16 जनवरी के दिन, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले गाइस मैं इसमें पासवर्ड चेंज करूँगा, तो नया पासवर्ड डालना है मेरे को यहाँ पर, मैंने नया पासवर्ड डाल दिया और कन्फर्म न्यू पासवर्ड पर न्यू पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, ये न्यू पासवर्ड डाल दिया और कन्फर्म न्यू पासवर्ड कर दिया है। तो चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो योर पासवर्ड वाज चेंज, ठीक है। अब ये जो मैंने पासवर्ड डाला है गाइस, ये सिर्फ मेरे को पता है, किसी और को नहीं पता है। तो लास्ट चेंज ये पासवर्ड में आ चुका है कि अभी 8:06 पे ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेप गाइस जो मैंने फॉलो कर ली है वो ये वाली है कि मैंने अभी अपने पासवर्ड को चेंज कर लिया है। अब इसके बाद में है गाइस रिकवरी ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रिकवरी ईमेल नहीं है, तो अब मैं इसमें रिकवरी ईमेल को डालूंगा। तो इस पर आपको क्या करना है, इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा आता है कि भाई योर रिकवरी ईमेल इज़ यूज टू रीच यू इन अ केस वी डिटेक्ट अनयूजुअल एक्टिविटी इन योर अकाउंट और यू एक्सीडेंटली गेट लॉग्ड आउट, ठीक है। व्हेन यू चेंज योर रिकवरी ईमेल यू मे बी एबल टू चूज टू गेट साइन इन कोड्स सेंड टू योर प्रीवियस रिकवरी ईमेल फॉर 1 week, ठीक, सिर्फ बोल रहा है सिर्फ 1 week के लिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें साफ सीधा सा फंडा ये रहता है गाइस, मान लीजिए कि जैसे ये वाली मेरी ईमेल आईडी है और मैं इसका पासवर्ड भूल जाता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दूसरी ईमेल आईडी डालूँगा जिस पर रिकवरी ईमेल कोड जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मेल आईडी आपके यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है, जो मेल आईडी आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए जो मेल आईडी आपको ये वाली दिखाई देती है, इस सेम ईमेल आईडी को आपको यहाँ नहीं डालना है, यहाँ पर कोई दूसरी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में गाइस इस पर आता है वेरिफिकेशन कोड, एंटर द 6-digit कोड सेंड टू दिस ईमेल आईडी, ठीक है। तो मैं उस ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, कोड गाइज आ चुका है, मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दी है कोड और ये यहाँ पर आ गया है रिकवरी ईमेल वेरीफाइड, ठीक। तो बैक आते हैं, ये गाइज ईमेल जो है ये वेरीफाइड हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ईमेल आईडी यहाँ पर डली हुई है, ठीक है। ये ईमेल आईडी भी गाइज मतलब डेमो पर्पज़ के लिए ही है, आप इस पर भी मेल वगैरह मत करना, ठीक है, क्योंकि ये ईमेल आईडी इस वीडियो के बाद में डिलीट हो जाएगी, ओके। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आता है फ़ोन नंबर, ऐड अ फ़ोन नंबर, और एक है सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन, एक है यूज योर फ़ोन टू साइन इन, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है ना गाइस, ये सबसे ख़तरनाक वाला ऑप्शन है। अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो इसके क्या क्या घाटे हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए मेरे पास आप में से काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर बाई मिस्टेक हमसे हमारा जो फ़ोन है वो फॉर्मेट हो गया है, ठीक है। अब फॉर्मेट हो गया है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब वो अपने ईमेल आईडी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, उनके जो फ़ोन है उस पर वेरिफिकेशन कोड जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो वेरिफिकेशन कोड उनके फ़ोन पर पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। जो हम ऊपर से स्वाइप डाउन करके क्लिक करते हैं वेरीफाई करने के लिए, 3 different नंबर आते हैं, ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन क्या है इनके में हट चुका है। कुछ लोगों के में क्या है, किसी का क्या हुआ है कि फ़ोन चोरी हो गया है या कहीं फ़ोन गिर गया है, तो अब उन्होंने क्या कर रखा है कि इस वाले ऑप्शन को ऑन किया हुआ है, और ऑन करने पर क्या है वो उस पर बार बार नोटिफिकेशन भेज रहा है कि भाई 7 number पर क्लिक करो, 23 number पर क्लिक करो। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, वो ना तो स्वाइप डाउन करके उसको क्लिक कर पा रहे हैं और ना ही अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा रहे हैं,
कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में गाइज वो लॉक्ड आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरा जो सजेशन है गाइज वो यही है कि आप हमेशा अपने जो जीमेल अकाउंट है उसमें इस वाले ऑप्शन को हमेशा ऑफ रखें, ठीक है। आपको इसको हमेशा ही ऑफ रखना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़के से मेरी बात हुई थी। उसका ये कहना था कि सर जो मेरा फ़ोन है वो बाई मिस्टेक हाथ में से गिर गया और उसकी स्क्रीन चली गई है और मैं उसे चला नहीं पा रहा हूँ और जब लैपटॉप में अपनी जीमेल आईडी को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उस फ़ोन पर मेरा स्वाइप डाउन करके जो कोड आते हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन हो गई है ख़राब। और ऐसे केस में गाइस उसका जो अकाउंट है वो लॉक्ड आउट हो गया है, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को आप हमेशा ऑफ ही करके रखें, जैसा है वैसा ही रहने दें, ठीक है। अब आते हैं गाइस रिकवरी फ़ोन। अब इसमें देखिए सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन और है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको रिकवरी फ़ोन बताता हूं। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसमें यहां पे क्या है, ऐड रिकवरी फ़ोन। योर रिकवरी फ़ोन इज़ यूज टू रीच यू इन अ केस वी डिटेक्ट अनयूजुअल एक्टिविटी इन योर अकाउंट और यू एक्सीडेंटली गेट लॉक्ड आउट, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें देखिए साफ साफ सीधा सीधा लिख रखा है भाई, आपको यहाँ पे क्या है एक वेरिफिकेशन कोड आएगा वो उस वाले फ़ोन नंबर पर, तो वो फ़ोन नंबर डाल के रखना है। अब मान लीजिए आपका फ़ोन है, ठीक है, और उसके अंदर जो सिम है उसी को ही आपने रिकवरी फ़ोन बना रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा फ़ोन नंबर है, मैं बताता हूँ एक मिनट रुकिए, जैसे कि मेरा फ़ोन नंबर ये है 9812345678910, ठीक है। जैसे कि ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये मेरे फ़ोन जो है मेरी ही जो इस जो सिम है ये वाली ये मेरे ही फ़ोन के अंदर पड़ी हुई है और मेरा वही फ़ोन चोरी हो जाता है, ठीक है। और अब मैं उस ईमेल आईडी को अपने लैपटॉप में रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो उसी फ़ोन पर कोड तो भेज रहा है भाई, गूगल को तो फ़ोन पर कोड भेज रहा है ना, लेकिन मेरे पास तो फ़ोन का एक्सेस ही नहीं है, तो फिर मैं रिकवरी कोड डालूंगा कैसे? तो मेरे पास रिकवरी फ़ोन ही नहीं है, मेरा रिकवरी फ़ोन चोरी हो गया है या टूट गया है, उसकी स्क्रीन चली गई है, तो मैं कैसे डालूंगा, ठीक है। अगर चोरी हो जाता है तो सिम भी आपके पास नहीं होगी, तो आप उस सिम पे अगर कोड डाल रहे हैं तो नहीं डाल पाओगे। तो साफ सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप अगर रिकवरी फ़ोन डालते हो तो रिकवरी फ़ोन नंबर में वही नंबर डालना जो मैक्सिमम केसेस में आपके घर पर रहता है नंबर, ठीक है। जैसे मम्मी का फ़ोन हो गया वो नॉर्मली घर पर ही पड़ा रहता है, ज़्यादातर सभी का घर पर ही रहता है मम्मी वाला फ़ोन, ठीक है। पापा का होता है वो पापा साथ में ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा फ़ोन नंबर डालना है जो आपका घर पर रहता है और सेफ़ रहता है, ठीक है। अगर बाई मिस्टेक आपका फ़ोन कहीं रास्ते में चोरी हो जाता है, गिर जाता है, तो आप अपने जो घर पर जो आपका फ़ोन पड़ा हुआ है ना उस पर रिकवरी कोड मंगा के आसानी से अपने ईमेल आईडी को रिकवर कर सको, ठीक है। अब इस पर ऐड अ रिकवरी फ़ोन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, मैंने एक फ़ोन नंबर डाल दिया है, ठीक है। इस फ़ोन नंबर पे एक कोड आएगा, अभी ये आया नहीं है गाइस, ठीक है, ये आया नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ, टू स्टेप वेरिफिकेशन। इसको कैसे करते हैं देखिए, आपको इस पर क्लिक करना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन में सबसे पहले ये बोलेगा कि भाई आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक नंबर को वेरीफाई करना होता है, तो मैं नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। नंबर डाल दिया मैंने और टेक्स्ट मैसेज पे मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो प्रोसेसिंग फ़ोन नंबर प्लीज़ वेट। यहाँ पर इस फ़ोन नंबर पर कोड जा चुका है, ठीक है। कोड को आने का मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन पर अभी तक कोड आया नहीं है, तो मैं यहाँ से रीसेंड करता हूँ, ठीक। तो गाइस कोड आ चुका है, कोड मैंने डाल दिया, नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर लिखा आ गया इट वर्क्स टर्न ऑन सेकंड वेरिफिकेशन, सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिए। तो मैंने टर्न ऑन पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में देखिए जो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन में जो फ़ोन नंबर है वो अलग है और जो रिकवरी फ़ोन है वहाँ पर अभी नहीं डला है, ठीक है। तो देखिए सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन जो सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, यहाँ पर ये टिक लग चुका है, और इसके बाद में सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन में ये फ़ोन नंबर अलग है और रिकवरी फ़ोन में मैंने फ़ोन अभी डाला नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन पर क्लिक करना है
और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर दिखाई दे जाएगा। अगर इसमें आपको दूसरा फ़ोन नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड अ बैकअप टू स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन पे क्लिक करके डाल सकते हो। बैक आते हैं, इसके बाद में गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको देखिए यहाँ पर है गूगल प्रॉम्प्ट टू स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन और बैकअप कोड। तो ये गूगल प्रॉम्प्ट वाला जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें लिख रखा है व्हेन यू साइन इन टू योर न्यू डिवाइस गूगल कैन सेंड अ वेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट टू एवरी फोन वेयर यू आर ऑलरेडी साइन इन। तो जो भी फ़ोन नंबर साइन इन कर रखा होगा आपने, जिस फ़ोन में आपने ईमेल आईडी को डाल रखा होगा उस पर ये दिखा देगा। उसके बाद में देखिए आते हैं यहाँ पर है टू स्टेप वेरीफिकेशन, तो इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा हो रहा है पेज ये। ठीक, देखिए इसमें है सबसे पहले बैकअप कोड, फिर है गूगल प्रॉम्प्ट, फिर है गूगल ऑथेंटिकेटर, फिर है सिक्योरिटी की और नीचे है डिवाइस यू ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या है, चार ही ऑप्शन आते हैं सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन में। मैं आपको वन बाई वन इनका मतलब बता देता हूँ। पहला है बैकअप कोड, ठीक है। मान लीजिए कि आपने जो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन तो लगा रखा है लेकिन वो फ़ोन नंबर भी आपका कहीं गिर जाता है, टूट जाता है, सिम ख़राब हो जाती है, तो जो बैकअप कोड्स होते हैं इसमें क्या होता है, बैकअप वाले कोड होते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें देखिए आपको कई सारे कोड दिख जाएंगे, अभी इनको जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं गेट बैकअप कोड पर क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये 1 2 3 4 5 6 करके ये पूरे 10 नंबर हैं अलग अलग। ये एक पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, तो ये 10 नंबर हैं। अगर बाई मिस्टेक मेरा सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन वाला फ़ोन अगर कहीं चोरी हो जाता है या गिर जाता है तो मैं इन कोड की वजह से अपने जीमेल आईडी में लॉगिन कर लूँगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको डाउनलोड करके या इनका स्क्रीनशॉट लेके या फिर किसी एक पेन पेपर से अपने किसी भी नोटबुक में लिख लेना होगा। ठीक है, मतलब ऑफलाइन इनको स्टोर कर लेना है कहीं भी। बैक आते हैं, इसके बाद देखिए इसमें क्या है, सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन में जो मेरा दो तरीके से ऑन है, जो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन है इनमें दो मैंने चालू कर लिए हैं, जैसे फ़ोन पर कोड आएगा या फिर मैं बैकअप कोड से भी अपने जीमेल आईडी में लॉगिन कर लूँगा। इसके बाद में आता है गूगल प्रॉम्प्ट, तो गूगल प्रॉम्प्ट में जैसे मैं आगे क्लिक करता हूँ तो गूगल प्रॉम्प्ट में ये ऑन बताएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे नोटिफिकेशन में भेजेगा, गूगल प्रॉम्प्ट नॉर्मली भेजता ही है। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे ट्रस्टेड है वो मेरे को लगता है ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, ये है सबसे कमाल वाला फीचर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। इसको क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद में है सेटअप ऑथेंटिकेटर, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये वाला जो कोड है ये आपको स्कैन करना है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, इस वाले ऐप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में इसमें स्कैन करने वाला एक ऑप्शन आता है, उस स्कैनर से आपको इस वाले जो स्कैनर कोड आईडी है इसको स्कैन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करना है और आपका फ़ोन कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए तो इसमें आपको जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे इस तरीके से वेरिफिकेशन कोड दिखाई दे जाएगा। देखिए जैसे कि ये एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट है डेमो पर्पज़ के लिए। ठीक है, जैसे इसने अपने गूगल का इसका जो 6 डिजिट का कोड ये आ रहा है, तो ये क्या होता है 60 सेकंड के बाद में चेंज होता रहता है। अब मैं अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, 6 डिजिट का कोड आएगा और उस 6 डिजिट के कोड से ही मैं अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, पहले तो पासवर्ड डालूँगा और ये 6 डिजिट कोड जो यहाँ पर चल रहा होगा फिलहाल वो आसानी से हम उसको खोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि हम गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को फ़ोन से दूसरे फ़ोन में स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा खुद का फ़ोन है, ठीक है, वो है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स है, उसमें मेरी सिम डल रही है भाई एयरटेल की, एयरटेल वाली सिम डल रही है और वो फ़ोन बाई मिस्टेक कहीं खो जाता है या गिर जाता है, कुछ भी होता है, और उसी फ़ोन में मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाल रखा है। अब मैं अपनी ईमेल आईडी को एक लैपटॉप में लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, जिस ईमेल आईडी को मैंने कभी भी नए लैपटॉप पे लॉगिन किया ही नहीं है, तो गूगल क्या करेगा, गूगल ऑथेंटिकेटर से बोलेगा भाई वहाँ से कोड जनरेट करो। अब मैं गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप तो चला ही नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि मेरा फ़ोन तो कहीं गिर गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को किसी दूसरे फ़ोन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में ही अंदर, इस तरीके से आता है ट्रांसफ़र अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफ़र अकाउंट के बाद में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट अकाउंट और इंपोर्ट अकाउंट। तो एक्सपोर्ट अकाउंट पर आप क्लिक करोगे तो ये जितने भी आपके कोड हैं ना,
अलग अलग ईमेल आईडी के, फेसबुक के या इंस्टाग्राम के, ठीक है। देखिए जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इनके भी जो 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड होते हैं ना, वो हम दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अगर आपके घर पर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप उसमें भी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लेना, और जो भी आपके 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड होते हैं, उन सभी को आप, जो आपका फ़ोन घर पर रहता है हमेशा, उस वाले ऐप में उनको ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है। अगर आपका खुद का फ़ोन चोरी हो जाता है, गिर जाता है, कुछ भी होता है, तो आपके पास में जो फ़ोन घर पर है, जो सेफ है, उसकी सहायता से आप अपनी ईमेल आईडी में लॉगिन कर लोगे, ठीक है। तो इसमें गाइज मैंने आपको 5 ऑप्शन बताए हैं, ठीक है, जो कि मेन कौन से हो गए हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करना है, एक रिकवरी ईमेल आईडी चेंज करनी है, और बैकअप कोड भी रख लेने हैं, किसी कॉपी में लिख लेना पेन से, और वो आपके ऑफलाइन हमेशा रहें, ठीक है। एक आपका 2-स्टेप वेरिफिकेशन जो फ़ोन है वो लगाना है, और एक रिकवरी फ़ोन, जो भी फ़ोन कोई भी घर पर हो, उसको यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। और आपका इस तरीके से क्या होगा, ये सभी स्टेप्स जो भी मैंने इस वीडियो में बताई है, इसकी सहायता से आपका जो अकाउंट है, जो जीमेल अकाउंट है, वो कभी भी लाइफ में कभी भी उसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई आपका जो अकाउंट है उसमें आपका टू मैनी फेल्ड अटैम्प्ट आ रहा है, या फिर अगर आप उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो तो वो सेम ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड भेज रहा है। अगर आप बाई मिस्टेक अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हो, तो आपके पास में रिकवर करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि सबसे पहला तो आपका गाइस रिकवरी ईमेल आईडी है, फिर है रिकवरी फ़ोन नंबर, फिर है आपका सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन वाला फ़ोन नंबर, और उसके बाद में है बैकअप कोड, और उसके बाद में है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। तो इन सभी की सहायता से क्या कर सकते हो, आप अपने ईमेल अकाउंट को बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो गाइस लंबी हो चुकी है, ये कोई टिकटॉक वीडियो नहीं है जो कि 60 सेकंड में या 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। आप में से ही काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे थे कि भाई उनके ईमेल अकाउंट रिकवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो गाइस उन लोगों के लिए है जिनके अकाउंट में दिक्कत आई थी और उन्होंने नया अकाउंट बनाया, लेकिन नया अकाउंट बनाने के बाद भी उसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो नहीं किया है, और फ्यूचर में हो सकता है कि आपके अकाउंट में ये सभी दिक्कतें आ जाएँ, जैसे कि ये वाली टू मैनी फेल्ड अटैम्प्ट कभी भी आ सकती है भाई, अगर आप ये सब जो स्टेप मैंने आपको बताई अगर फॉलो नहीं करोगे तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो से मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी डाउट रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ भी अगर आपको मेरे से पूछना हो, तो आप मेरे को, मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है द टेक्नो पांचाल, इस पे आप मेरे को फॉलो करके मैसेज डाल सकते हो। आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मेरा गाइस फेसबुक का भी पेज है, आप यहाँ पे मेरे को फॉलो कर लेना, जैसे ही ये 1000 फॉलोवर हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर लाइव आऊँगा, ओके। और आप मेरे को यहाँ पर जो मेरा ट्विटर का पेज है इस पर भी मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। इन तीन तरीके से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और एक नया ही तरीका मैं लेके आने वाला हूँ जिसमें आप डायरेक्टली मेरे को कॉल भी कर लोगे, तो उसमें किसी की भी दिक्कत नहीं रहेगी, ना आपको ना मेरे को, आप डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे भी बात कर पाओगे। लेकिन अभी उसमें गाइस टाइम लगेगा 2 या 3 दिन का, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप डायरेक्टली मेरे को कॉल करके मेरे से आप बात कर सकते हो, और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मेरे पास है तो वो मेरे से ले सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ आप जाके मेरे को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, इस टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स गाइस, लव यू एंड बाय।